नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जमशेद सिंह कपूर है और आज हम बात करेंगे ऋषि कपूर पर। ऋषि कपूर की डेथ आज सुबह हुई है, हम ऋषि कपूर की कुंडली पर बात करेंगे। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को रात 11:10 पे बॉम्बे में हुआ था। ऋषि कपूर यह राज कपूर के बड़े सुपुत्र थे और राज कपूर ने ऋषि कपूर के लिए जो है वो बहुत कुछ सोचा था। पर मेरा नाम जोकर फिल्म जब बना रहे थे तो मेरा नाम जोकर में जो बच्चे का किरदार है उसके लिए उनको कोई कलाकार चाहिए था और उन्होंने सोचा ऋषि कपूर को लिया जाए और वहीं से ऋषि कपूर की शुरुआत हुई। ऋषि कपूर का जो जन्म है 4 नंबर अचानक, तो मेरा नाम जोकर का भी ऑफर उनको अचानक मिला। इसके अलावा जो ऋषि कपूर की राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि में अभी 7.5 चल रहा है और कुंभ राशि के स्टार्स बहुत कमजोर चल रहे हैं, तो 7.5 के कारण भी और समय कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। गुरु जो है वो कुंभ राशि को बारवा चल रहा है इस दौरान, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट कुंभ राशि के साथ में आता है। ऋषि कपूर को कैंसर की बीमारी थी, कैंसर से वो चल रहे थे पीड़ित, सांस की प्रॉब्लम आने की वजह से उनकी डेथ हुई है ऐसा कहा जाता है। ऋषि कपूर की अगर हम कुंडली का आकलन करेंगे तो ये देखेंगे कि वीनस जो ऋषि कपूर शुक्र जो ऋषि कपूर की कुंडली में पंचम स्थान में है और पंचम स्थान से वो अपनी सप्तम दृष्टि से 11वें स्थान को देख रहा है, लाभ भाव को देख रहा है। तो वीनस जो है ये कला का कारक ग्रह है और वो अपने लाभ स्थान को देख रहा है, तो कला से संबंधित इनको लाभ होगा। पर जैसे कि आज मृत्यु हुई है ऋषि कपूर की, तो हम मृत्यु का क्या कारण होगा इस पर बात कर रहे थे। तो एक तो कुंभ राशि ये समझ में आता है, कुंभ राशि और बारवा गुरु ये उसके मेन कारण होते हैं। इसके साथ में ऋषि कपूर के की जो मृत्यु वो अचानक हुई, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था कि वो परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है। उनका कैंसर का जो ऑपरेशन है वो सफल रहा था और अच्छे से वो कैंसर से तो उनको रिलीफ मिल चुका था, पर जो अभी जो परिस्थितियां चल रही है वो परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार थी। समय और समय के साथ ऋषि कपूर ने अपनी पारी बहुत लंबी खेली। अपने ज़माने में वो जितनी भी हीरोइनें हैं उनके साथ में वो हीरो बने, जो भी एक लंबे दौर की हीरोइनें हैं उसके साथ में वो हीरो का रोल उन्होंने प्ले किया और बाद में चरित्र अभिनेताओं में भी उनका बहुत अच्छी शुमार रहा। ऋषि कपूर की कुंडली से हम एक बात इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 4 नंबर वाला व्यक्ति अचानक उसके जीवन में चीज़ें होती हैं, जो अचानक ऋषि कपूर को फिल्म मिल गई, फिल्म बहुत बड़ी थी पर फिल्म पिट गई और फिर अचानक बॉबी फिल्म मिल गई। बॉबी ने उनको एज ए हीरो एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद में तो ऋषि कपूर के करियर में बहुत ऊंचाई प्राप्त हुई और ऋषि कपूर को अलग अलग बैनर्स की फिल्में मिलते रही और ऋषि कपूर कामयाब अभिनेता साबित हुए। उनका नीतू सिंह से विवाह भी अचानक ही हुआ और वो विवाह की भी उन्होंने सफल पारी खेली। तो हम ऋषि कपूर की कुंडली के ऊपर से ये आकलन करेंगे कि 4 नंबर जो अचानक एक्सीडेंट का कारक है, ये एक उनकी अचानक मृत्यु का कारण बना, 7.5 और बारवा गुरु। आप सभी यदि ऐसे ही किसी ग्रह स्थिति से गुजरते हैं या ऐसे ही किसी ग्रह स्थिति में हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आए, संपन्नता आए, यह कामना के साथ में मैं जमशेद सिंह कपूर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।